ಇವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿ ಏನೋ ಇರಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ತಮಾಮ್ ಲೋಕೋ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಕೆ धूप होंदे क्या भी होंदे तुम्हें आको 100% वोट करना सब भी मिला को कितने जने भी हो एलू कूड़ी ना वोट हाँ बंदी मत ना ओणी ओणी होगी ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೈತೆ ಮಂದಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಂದ್ರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೈತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಂಟಪ ಹೊಡೆದಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡ್ರಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಕುಡಿಲಿ ಐದೈದು ಹತ್ತತ್ತು ಬಾಟ್ಲಿ ತಂಡ ನೀರು ಒಯ್ದು ಇಡಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ರಾಜು ಹಲಗೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತೀವ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಇರುವುದರಿಂದ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿವಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಆ ಸುಬಹ 5 ಬಜೆ ಸೆ ಲಗಾತಾರ ಸಭಿ ಬೂತೋ ಮೇ यहाँ हमारे कार्यकर्ता और हमारे पुलिस एजेंट जमा हुए हैं. 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. सुबह से लेकर बड़े जोर शोर से यहाँ पे मतदान हो रहा है. सभी लोग आके पाली लगा के सब वोट डाल रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता सभी एरिया में जा जा के उनको लगा लगा के सब यहाँ को वोट डालने लगा रहे हैं. मैं हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो महिला हैं हमारे जो अब सभी लोगों का सभी जमात के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक अभी काम चालू है. अब अच्छे तरीके से पूरी वोटिंग हो रही है. हमारे पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर एक साथ में आकर वोट डाल रहे हैं. वार्ड नंबर 33-34 में भी पूरी अच्छी तरह से सब बूथों में गए. हम सुबह कालेबाग में गए सभी बूथों में जाके रहीम नगर वगैरह देखे. अभी KSRTC के डिपो में वहाँ भी गए थे और सब एरिया में हमारे कर्नल 12 और 2 नंबर स्कूल में भी बहुत पाली लगी है. मगर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था सही नहीं रहने की वजह से देरी हो रही है. लोगों को परेशानी हो रही है तो इसलिए मैं जिलाधिकारी को भी ये मनवी करूंगा कि जल्द से जल्द अभी वो जहाँ जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे लाइट का व्यवस्था करें. बीजापुर शहर के प्रथम प्रजा होने के नाते आप मतदाताओं को किस किस तरह की सुविधाएं कर रहे हैं और क्या किए हैं? नहीं, हम लोग जहाँ पे जाजा पे पूरे मतगट में जितने भी हैं वहाँ पर सभी लोगों का व्यवस्था किए हैं. मगर एक हमारे सी वो भूल हो गई समझो कि हमारे अधिकारी उसमें विफल हुए हैं कि ज़्यादा लाइट की व्यवस्था होना था. वो लाइट की व्यवस्था उतने पैमाने पर नहीं हुई जितने पैमाने पर होना था. उस वजह से देखने में दिक्कत आ रही है. तो वहाँ पे उन लोगों को अभी जाके हम उनको डायरेक्शन दिए हैं वो लगा के फटफट काम करेंगे. इसलिए प्रॉब्लम हुई थी अगर प्रॉब्लम छोटी थी पर हमने वो सॉल्व किया है. मतदान केंद्र के लिए तपतपाती हुई धूप में जो बुज़ुर्ग लोग हैं विकलांग हैं उनके लिए किस तरह की सुविधा? हमें व्हीकल रखे हैं उनके लिए. जो बुज़ुर्ग हैं जो विकलांग हैं उनके लिए यहाँ पे 3 व्हीलर व्हीकल है. व्हीकल से उनको ले जाके लगा रहे हैं. हमारे आशा कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं और हम सब ले जाके उनको साथ में ले जाके वहाँ मतगणना तक छोड़ के आ रहे हैं. पार्टी के मद्देनज़र रखते हुए आप महापौर क्या संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी को किस तरह आंकड़े तक पहुँचाना चाहते हैं? इस बार रुझान आने के बाद पता चलता है कि जो लोग हमारे कार्यकर्ता और हमारे यहाँ के CM कर्नाटका के सिद्धरामैया जी MB पाटिल साहब DK शिवकुमार साहब ये सब लोग जो बात गारंटी दिए थे उस गारंटी को मद्देनजर रखते हुए लोग हमारी तरफ रुझू हैं और सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. फ़ायदा उठा के इसलिए वो कांग्रेस की तरफ रुझान करे हैं. सब लोग कांग्रेस को आशीर्वाद करें. इस बार कर्नाटक में कम से कम 20 सीट यहाँ पे चुन के आएंगे. ऐसे ही खबर देखने के लिए UTV न्यूज एक्सप्रेस को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं.